वेलकम बैक टू माई चैनल सुचिता हियर वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसको पूरा देखिएगा एंड तक। मैंने घर में कैंडल्स बनाई है, फ्रेग्रेंस यूज़ किया है उसमें, और ये बहुत इजी टू मेक है। दिस इज़ माय वन ऑफ दी हॉबी टू डू समथिंग एट होम। मैं खाली नहीं बैठती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कभी आपको कैंडल्स बनाने हो या अपने हाथ के गिफ्ट करने हो, और इट इज़ वेरी वेरी रीजनेबल। आप जिसको कह सकते हैं दूसरे शब्द में, इट्स चीप, इट्स वेरी चीप। आप अपने हाथ से बनाइए, प्यारा सा डिज़ाइन दीजिए, और मैंने जो भी यूज़ किया है उसमें आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं मोल्ड के तौर पे। और मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं और कैसे बना रही हूँ। फिलहाल आप ये वाला वीडियो इन्जॉय कीजिए, मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय, टेक केयर, इन्जॉय द वीडियो। चाओ चाओ। डबल बॉइलिंग मेथड से इसको मेल्ट कराना है अभी। हाँ, इसको दिखाओ। लगा सकते हैं, जैसे सेलोटेप बहुत हल्का होगा तो सेलोटेप रहने दीजिए। मैंने इसके नीचे आटा लगाया था, गूंदा हुआ आटा जो फ्रिज में था, छोटा सा मैंने चिपका दिया था। अब ये वाली जो दूसरी वाली है, ये जेल वैक्स है, इसको भी मैंने गला दिया है डबल बॉइलिंग मेथड से ही। और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनेगा। आप जैसे देख सकते हैं टेबल में कैसे रखा हुआ है मैंने, ये छोटे छोटे पीस आते हैं जेल के, और आप देख सकते हैं सारे मोल्ड मैंने टेबल में रखे हुए हैं, और उनके ऊपर मैंने उनके अंदर से नीचे से थ्रेड डाल के बनाया है। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे यू कैन डू, और ये बहुत बहुत हेल्प करेगा उन लोगों के लिए जिनको बहुत शौक है कैंडल बनाने का, और जो गिफ्ट भी करना चाहते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये बहुत जल्दी बन जाता है। ये वाला जो मोम है, जो मेरे मोल्ड हैं एल्यूमिनियम के या स्टील के, जो भी मोल्ड होते हैं, इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 7 hours, लेकिन जो सिलिकॉन का होता है वो 40 मिनट्स में आपका तैयार हो जाता है कैंडल। ये देखिए, ऐसे जेली जैसे आते हैं, जेल के पीसेस आपको अमेज़ॉन में मिल जाएंगे। इसको जेल को डबल बॉइलिंग मेथड से ही आपको करना है। अगर आप ये गैस में रखेंगे तो इसमें से बहुत ज़्यादा आपको वैक्स के जो गर्म होती है तो वो बाहर आ सकती है, तो मैं वो नहीं कर पाई, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये जो मैं अभी बना रही हूँ, ये फिर से नॉर्मल वैक्स है जो मेरी रह गई थी, बची हुई जो रेगुलर वैक्स है, ये जेल वैक्स नहीं है। तो ये भी आपको ऐसे स्टर करनी है, लेकिन मेक श्योर कि आप इसको फटाफट से मोल्ड में डाल दें, नहीं तो ये जमना शुरू हो जाती है नीचे से। आप इसको हल्का सा ठंडा कर रहे हैं। अब ये देखिए, थोड़ा सा मैंने क्रियॉन तोड़ के डाला है इसमें, अब ये कलर देगा अच्छा सा। इसमें मैं जेल वैक्स बना रही हूँ, तो वो जो जेल मैंने मेल्ट किया था थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखा मैंने, लेकिन ज़्यादा ठंडा आपको नहीं करना है। मेरा थोड़ा सा इसमें जम गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हल्का सा वॉटरी होना चाहिए। मैं इसमें डेकोरेशन के लिए कुछ स्टोन्स डाल रही हूँ, शंख होते हैं छोटे वो डाल रही हूँ, मोती, आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन जो जेल वैक्स होती है वो सिर्फ जार में बनती है, कांच के जार में, और जो रेगुलर वैक्स होती है वो आपके मोल्ड में बनती है। ये देखिए, इसको ऐसे स्ट्रेट रखना है आपको, जो थ्रेड होता है मेक श्योर कि आप उसको ऐसे रखें। ये आपकी 5-10 मिनट में सेट हो जाता है। ये मैंने थोड़ा सा और जेल को गर्म किया है, और मैं साथ साथ दोनों बना रही हूँ कैंडल, मोम वाले भी और जेल वाले भी। ये मेरा जो वैक्स वाला है वो थोड़ा सा चिपक गया था। ये देखिए, मोल्ड से मैंने इसमें से टेप निकाला, इस बार सेलो टेप कुछ में लगाया, कुछ में आटा लगाया। आपको ऐसे करना है, ईजिली इट विल कम आउट। सी, आपको ये थ्रेड काट देना है, दोनों देखने हैं आपको लेवल की ये सही आया है नहीं। समटाइम्स इट डजंट कम यू नो इक्वली, तो आप गरम नाइफ ले सकते हैं, और गरम नाइफ से धीरे धीरे उसको ऊपर से आप फिक्स कर सकते हैं। ये मेरी कैंडल्स बन गई है, फ्रेग्रेंस कैंडल है। ये मैंने ट्रायल बेस बनाया था, और ये मेरी जेल वाली है। देखिए, इसमें पूरे डेकोरेशन जो मैंने की है वो उसके अंदर ही रहेगा। अब दिए मैंने, काट दिए इसके थ्रेड, पेपर ग्लास में थी, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू डू दैट, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, और मेक श्योर कि आप कोई भी सॉफ्ट चीज़ यूज ना करें। पर देखिए मेरी कैंडल कितनी क्लियर और अच्छी सी आई है बनके। इसे इक्वल कर सकते हैं आप नाइफ, गरम नाइफ के, आप नाइफ को गरम करके उसको शेप दे सकते हैं, सेम ऊपर से इक्वल।
ये मैंने पैराफाइन वैक्स लिया है, इसको मैं डायरेक्ट पैन पे रख रही हूँ। ये छोटे छोटे पीसेस में आपको अमेजोन में मिलेगा, और इसमें मैंने कलर भी डाला है जो मैंने अमेजोन से ही मंगाया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये आप डायरेक्ट गैस में रख सकते हैं। डबल बॉयलिंग मेथड इसके लिए ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि लेस देन अ मिनट आपको बिल्कुल ये मेल्ट हो जाएगी और अच्छा सा शेप दे देगा। इसी के साथ साथ आपको अपने मोल्ड रेडी रखने हैं, जिसमें एक छेद होता है, एक होल होता है, उसमें आप थ्रेड डालेंगे और बीचों बीच उसे पेन या टूथपिक के सहारे से तैयार करके खड़ा कर देंगे, जो आप अभी वीडियो में देखेंगे। अब मैं इसमें एक फ्रेग्रेंस ऐड कर रही हूँ, ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया है। किसी तरीके की भी फ्रेग्रेंस आप ऐड कर सकते हैं, और वो सिलिकॉन के मोल्ड रखे हैं जिनमें अब मैं ये वैक्स भरने वाली हूँ। इसमें मैंने ऑलरेडी भर दिया था, ये आउल शेप का है, लेकिन ये थोड़ा नीचे बैठ जाता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा वैक्स गर्म करके इसको डाल रही हूँ। आप बार बार वैक्स मत डालिएगा, बस ध्यान रखिए कि आपकी वैक्स अगर बैठने लग जाए तो आपको आप उसको रीफिल कर सकते हैं। एंड इट विल टेक ओनली 40 मिनट्स टू गेट रेडी। आपको 40 मिनट में आपको ये कैंडल बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि आप सबसे अच्छा पैराफाइन ये जो पीसेस वाली वैक्स होती हैं, आप इसको ही यूज़ कीजिए। डबल बॉयलिंग मेथड के लिए आप सिर्फ जो सिली वाली पीस वाली आती है वो यूज़ कीजिए, और इसको आपको गैस में रखना है, सिम में भी रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर यू आर देयर एट प्रेजेंट। ये जितनी भी मैंने बनाई है सारी की सारी हार्ट शेप की सिलिकॉन मोल्ड से ही बनी हुई है, एंड इट टुक मी ओनली 40 मिनट्स। ये देखिए इतनी सुंदर तैयार हो गई है बनके। ये मैंने एक रोज़ वाली भी बनाई है, ये देखिए मैंने पेंसिल कैसे लगाई है, क्योंकि मुझे पेंसिल सबसे सही लगा, जिसमें जब आप वैक्स भरते हैं तो उसमें निशान नहीं आता है बीचों बीच। और ये मैंने विक ली है अमेजोन से, जो मैंने विक लगाई है। इसके अलावा आप एक वाइट थ्रेड भी लगा सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा होल करना होता है। सिलिकॉन का ये मोल्ड है। नाउ आई एम रिमूविंग द अनदर वन, आई विल जस्ट शो यू हाउ यू डू इट। सी आई हैव एडेड द पेंसिल ओवर हियर, सो यू जस्ट नीड टू पुल इट लाइक दिस, नथिंग एल्स, एंड इट इज ओनली इन वन आवर, ओनली इन वन आवर आई डिड इट। टुक मी ओनली वन आवर टू मेक, सो लाइक दिस, सी एंड सी दिस इज रेडी। आई नीड टू कट इट, सो यू कैन जस्ट hold it like this. We need to cut it right like this. Yeah. So, इसमें मैंने वो जो wick होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, because I use the wick pin. I'll show you later. So these are all ready. Now we'll remove the flower one. This is the flower one I made. So I'll show you how it's gonna be. You just need to stretch it like that. Stretch it like this. Okay. Be careful about it. So I'll show you how it's going. So this is the candle. I have removed it from here. So I have used this one. It's called Vic, and in here just placed it. So we got this one. See, you can see right here. This is all flower. So this is the owl one, which I'm gonna just. अलग है, मैं ऐसे करूँगी इसको, ये देखिए बाहर आ रहा है। दिस इज लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ी में ओके। सो दिस इज द वन, ये देख रहे हैं आप, ये वैक्स कैंडल है, ये ऐसे। सो दिस इज द आउल। अभी मैं इस धागे को यहां से मुझे लगाना है। It is already inside here, so I need to get this out. वो मैं आपको दूसरी बारे में बताऊंगी। और see how lovely is this. I hope you're gonna like this, and it will be helping you a lot, just to kill your time. See. Thanks for watching. Bye. Take care. Ciao ciao. कैंडल वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एंड आई एम सो एक्साइटेड, सो हैप्पी
कि मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ. कीप वॉचिंग माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड लाइक द एंड द लव द वे यू डू. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर, चाओ चाओ.